हम उस जगह पर जिस महामानव की हम बात करें, बात ही नहीं, अगर हमारे शरीर के एक एक खून का कतरा, जैसे अभी लोगों ने बोला एक एक खून का कतरा अगर हम उनके जीवन प्रकाश में लगा दें तो उनके नाम के लिए वो बहुत कम होगा। ये वो जगह है डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो बाबा साहब ने अथक प्रयासों से इसको बनवाया था, और इस भवन को बनवाने के लिए बहुत पूंजीपति लोगों ने यहाँ आकर बाबा साहब से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करने से क्या फ़ायदा है, इसको मैं ही बनवा देता हूँ। परंतु बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस भवन को उन गरीब लोगों से 10-10, 20-20 रुपए चंदा लेकर बनवाऊँगा, जिससे डॉक्टर अंबेडकर का नाम रहे और इसमें मेरा जो जीवन परिचय है या जो मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चल सकें। यदि मैं आपके पैसे से इसे बनवा देता हूं तो वो पूंजीपतियों का भवन कहलाएगा। आज इस भवन के अंदर दीक्षा समारोह बड़े पैमाने पर हुआ और बहुत अधिक लोगों ने यहां भाग लिया। इसी समारोह के अंदर, दीक्षा समारोह के अंदर, एक हमारे बीच में एक महिला है जिनको राखी रावण के नाम से जाना जाता है। आइए, रावण शब्द इन्होंने क्यों रखा है, क्योंकि आज के टाइम में तो कोई रानी लगता है, कोई देवी लगता है, कोई कुछ लगता है, कोई कुछ लिखता है, तो ये राखी रावण हमारे बीच में आई, हम इनसे जानकारी लेते हैं और इनसे रूबरू होते हैं। मैडम, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैंने रावण नाम क्यों रखा, मुझसे पूछा गया है कि रावण नाम क्यों रखा है, सब ने देवी और रानी लगाया है, लेकिन राखी रावण उनमें से है नहीं जो सब देवी और रावण लगाती हैं। अगर हमें अपना इतिहास जानना है, हम बाबा साहेब के मिशन में आए हैं, हम भगवान बुद्ध के धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो जो हमारे राजा हैं जिन्हें षड्यंत्र के तहत बुरा बनाकर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनका इतिहास खत्म करा जा रहा है, तो बुद्धिस्ट होने के नाते हमारा फर्ज बन जाता है कि जो हमारे पूर्वजों को बिना वजह के कलंकित करके उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमारा ये फर्ज बनता है कि उनकी सही पहचान हमें अपने समाज के बीच और समाज के साथ साथ हमें अपने देश के बीच इस पहचान को लाना है कि रावण एक बौद्ध राजा था, भगवान बुद्ध के धर्म का पूरी तरह से पालन करने वाला था, 10 पारमिताओं का पूर्णतः पालन करता था, बहुत दानवीर राजा था, इसलिए रावण की सच्चाई बताने के लिए मैंने ये रावण नाम लगाया।